नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रजापति पावरफुल चैनल में। दोस्तों हमारे इस प्रजापति भाई की वीडियो को पूरा देखना, क्या कहा हमारे भाई प्रजापति समाज के भाई ने, जरूर देखें पूरी वीडियो। वो पाल समाज में लग जाए, जो निषाद समाज का है वो निषाद समाज में लग जाए, जो चौहान समाज का है वो चौहान समाज में लग जाए, और राजभर समाज को लग ले भाई। लौकता कि ना लौकता, आप लोगों से मैं बता दूं, 2022 में ये लोग कहते हैं ना, मैं वादा करता हूं 350 के पार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही, उससे कम सीट नहीं मिलने वाली है। कहां जाओगे आप? बुंदेलखंड में चले जाओ, 19 सीटें हैं। बुंदेलखंड में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 50,000 से लेकर 90,000 सिर्फ प्रजापतियों का वोट है। मैं गांव गांव घूम के आया हूं, बुंदेलखंड में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है। आप चलिए बा, चलिए जाइए आजमगढ़ में, आजमगढ़ में हुए हाल बा, कहीं 25,000 का, कहीं 20,000 का, 30,000 प्रजापति समाज को वोट है कि ना है। अब तक इनकी गणना हो नहीं होती थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय बाबूजी, आदरणीय प्रेमचंद प्रजापति जी को, जो भागीदारी पार्टी बनाकर, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर, जो सभी लोगों को एकजुट करने के लिए काम किए। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय बाबूजी ओम प्रकाश राजभर को, जो आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के पीछे, विकास के सबसे पीछे लाइन में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आज वो सोचते हैं। सड़क से सदन लड़ने वाला कोई अगर व्यक्ति है, कोई गरीबों का मसीहा है, उस शख्स का नाम है आदरणीय बाबूराम बाबूजी ओम प्रकाश राजभर। मैं दोस्तों, दवाई की बात रही और जो शिक्षा की बात रही, अभी आप लोगों ने एक वीडियो वायरल हुआ देखा, देखे होंगे कि बताइए, जो हक इसका अधिकार इस सरकार में मांग रहा है, उस पर लाठीचार्ज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में देखो, नौजवान रात दिन धरना पे बैठा है, लेकिन जब पहाड़ी गोगी सरकार इसके कान में चू नहीं जा रही है। आने दो 2022 का चुनाव, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, यही साथी, उनको भाग के हल मार के बैठा के खदेड़ेंगे कि अपने गांव में नहीं खड़ने देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं बहुत ज्यादा ना कुछ कहते हुए, लेकिन नौजवान साथी, हमारे बैठे हुए माताओं बहनों, आप नोट कर लो, उस 5 किलो गल्ले पे मत जाना, 10 किलो गल्ले पे मत जाना, और जो गंगा में सड़वा छुटल बा, उसे ज्यादा नुकसान कर दिल पाए, करत बा कि ना करत बा। आप लोग बहुत कुछ कहना है दोस्तों, लेकिन हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी भी है, विधायक जी भी है, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा। अभी हरदोई में एक कार्यक्रम हुआ था, कुछ साथी देखे होंगे फेसबुक के माध्यम से, वहाँ मुख्यमंत्री आदरणीय भावी मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक ही उद्देश्य है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मेन उद्देश्य हम लोगों का है। अगर इस पीछे पिछड़े समाज में बैठे हुए विकास की पीछे लाइन में जो बैठा हुआ है मुसाद समाज का, उसके भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस देश में वो भी निवास करता है, करता है कि नहीं करता है। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि